नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया की सरकार बनने की बनती संभावना की, नतीजों से पहले कांग्रेस के चुनाव आयोग से शिकायतों की, देखेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर को, सिक्किम अरुणाचल के विधानसभा चुनाव के परिणामों को, जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह क्यों आए सवालों में, और बुलेटिन के आखिर में बात एग्जिट पोल पर विपक्ष नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब में बड़ा उलटफेर, आप विधायक शीतल अंगुराल ने वापस लिया इस्तीफा, चुनाव से पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 400 पार बोल रहे, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार, जनता बीजेपी को नहीं दे रही वोट और कह रहे जीतेंगे मोदी। काउंटिंग को लेकर हरियाणा कांग्रेस अलर्ट, दिल्ली में प्लानिंग, पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की आशंका, हर काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहेंगे एडवोकेट। वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, आम लोगों को लगा झटका, यूपी में बढ़ा टोल टैक्स, 2 जून की रात 12 बजे से नई दर लागू। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों की वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद ही तमाम टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए, और इन एग्जिट पोल को लेकर पहले से ही जो आशंका दिखाई दे रही थी वो सच साबित हुई। दावा किया जा रहा था कि इस बार टीवी चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल के परिणामों पर सरकार का दबाव है, लेकिन इन सर्वे के बीच जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें टीवी चैनल के सर्वे ही सवालों में फंस गए हैं, क्योंकि इंडिया की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सारे सर्वे साफ हो जाएंगे क्योंकि 4 जून को काउंटिंग में चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, और इन परिणामों के सामने आने के बाद टीवी चैनलों के सर्वे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा। आज तक के लिए एक्सेस माय इंडिया ने सर्वे किया जिसमें बिहार में एनडीए के पक्ष में क्लीन स्वीप दिखाया गया है, 33 सीट तक दे दी गई है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा चिराग पासवान की एलजेपीआर को लेकर है, जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है लेकिन आज तक उसे 6 सीट मिलने का दावा कर रहा है। जी न्यूज का एग्जिट पोल ने तो बीजेपी को सीट देने के मामले में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल दिखा दिया। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है लेकिन जी न्यूज यहाँ बीजेपी को 16 से 19 सीट दे रहा है, यानी मूल से 2 गुना। हिमाचल प्रदेश के लिए भी जी न्यूज ने बीजेपी को 6 से 8 सीट दे दी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीट ही है, यानी यहाँ भी जितनी सीट है उससे 2 गुनी बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन के सर्वे में झारखंड में 2 से 3 सीट जीतते हुए बताया गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर सीपीएम सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसी तमाम गलतियां इन टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, जिससे ये एग्जिट पोल ही सवालों में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ जनता का एग्जिट पोल देश बंधु डीबी लाइव ने दिखाया, जिसमें जनता के गुस्से की झलक दिखाई दी है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में एनडीए को 215 से 245 सीट मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 260 से 290 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी टीवी चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं हो रहा है। साफ दिख रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन बना रहा है, और जैसा कि पहले से ही तय है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन का नेता पीएम पद की शपथ लेगा। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की तो पोल खुलती दिखाई दे रही है, जिससे ये पोल सवालों में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ इस बार चुनाव आयोग भी सवालों में घिरा हुआ है। आज कांग्रेस फिर चुनाव आयोग पहुंच गई, नतीजों से पहले कांग्रेस ने आयोग के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को काउंटिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद विपक्ष रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने रविवार को चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने 3 मुद्दे आयोग के सामने रखे। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीसरी बार है जब इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है। इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ईवीएम में वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसी भी चुनाव में पोस्टल बैलेट निर्णायक होते हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाएगी। 2019 में स्पष्ट रूप से कहा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर ईवीएम की, लेकिन ईवीएम की गिनती खत्म नहीं हो सकती जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस के जरिए नियम को बदला है, जिसके तहत 2019 के गाइडलाइंस को हटा दिया गया है।
जिसके तहत ईवीएम की अंतिम गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म करना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार दोपहर पार्टी प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस कार्यालय पर बैठक की। इस बीच उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा ना करें। वहीं खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाकर मतगणना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठ रहे हैं। आज उन्होंने जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के सीएम कब तक जेल से बाहर आएंगे। लेकिन जेल जाने से पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया, तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में सरेंडर कर दिया, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, और कहा मुझे कोर्ट ने 21 दिन की मोहलत दी थी। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों के लिए प्रचार किया। मैं प्रचार के लिए मुंबई, हरियाणा, यूपी, झारखंड गया। आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं दोबारा जेल रहा हूँ, इसीलिए नहीं कि मैंने कोई घोटाला किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। पीएम मोदी ने देश के सामने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आ गए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी थी, जबकि वहाँ केरल में 25 सीटें हैं। असली मुद्दा ये है कि उन्हें मतगणना के दिन से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल क्यों करना पड़ा। इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, उनमें से एक ये है कि वे मशीनों में हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तारीख को मंगलवार है और 4 जून को बजरंगबली इनका नाश करेंगे। एग्जिट पोल पर विश्वास मत कीजिए, ये आपको परेशान करने के लिए लाए जा रहे हैं। जब तक मतगणना पूरी ना हो जाए तब तक आप परिणाम का इंतजार कीजिएगा। इसके बाद केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया। बता दें कि जेल जाने से पहले केजरीवाल ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद केजरीवाल ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और यहां से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए वो गए थे। बता दें कि कथित दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत शनिवार को खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने जनता से अपील की है कि जब तक मतगणना पूरी ना हो जाए तब तक वो परिणाम का इंतजार करे, एग्जिट पोल का भरोसा ना करे। तो वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के तो परिणाम भी सामने आ गए। परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे। सिक्किम में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया, तो कहां किसकी बनेगी सरकार, क्या है जनता का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ गए हैं। सिक्किम में जहां बीजेपी को करारा झटका लगा है, पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाजी उल्टी हो गई है। बीजेपी को जीत हासिल हुई है। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। राज्य की 32 सीटों में से 31 पर जीत दर्ज की है, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक ही सीट पर सिमट गई है। यहां तक कि भारत में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले एसडीएफ प्रमुख पवन चामलिंग इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। सिक्किम में बीजेपी को जबरदस्त झटका मिला है, तो अरुणाचल में उसे राहत मिली है। पार्टी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। पार्टी को 60 में से 46 सीटों पर जीत मिली है। दरअसल बीजेपी पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी थी। यहां कांग्रेस को 1, नेशनल पीपल पार्टी को 5, एनसीपी को 3, पीपीए को 2 और निर्दलियों को 3 सीटें मिली हैं। दो राज्यों की तस्वीर साफ हो जाने के बाद अब सबको इंतजार 4 जून का है, जब पूरे चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, जनता किसे जनादेश देगी, ये साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर के दो राज्यों में जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। सिक्किम में मिली हार के बाद बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिससे बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या दावा किया कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अफसरों को धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है और अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा।
अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वे संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो निगरानी में है। बता दें कि जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि 4 जून को जिस व्यक्ति का एग्जिट तय है उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल झूठे और नकली है। इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये एग्जिट पोल लोगों को गुमराह करने, चुनाव आयोग और काउंटिंग एजेंट पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी द्वारा कराया गया है। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी घिर गई है तो कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, कई नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसे महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव के मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने के बाद शरद पवार की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा, तो वहीं नतीजे आने से पहले ही अजित पवार की पार्टी के दिग्गज नेता व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल घर वापसी कर सकते हैं, यानी भुजबल के शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी भी भुजबल के पवार गुट में वापसी की खबर आ सकती है। बता दें कि भुजबल अपनी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण नाराज हैं। बताया जा रहा है कि भुजबल ने नासिक से टिकट मांगा था और बीजेपी के अमित शाह ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। बंटवारे में नासिक सीट शिंदे सेना के पास चली गई, जिस कारण से लोकसभा चुनाव में भुजबल का टिकट काट दिया गया। अब माना जा रहा है कि नतीजे आने के बाद भुजबल की घर वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के कुछ विधायक और पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उनकी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी हो गई है, लेकिन कांग्रेस शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई है। तटकरे ने दावा किया कि नतीजे आने के बाद उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं एग्जिट पोल पर छिड़े सियासी संग्राम को। एग्जिट पोल के आंकड़े जहां देश की राजनीतिक स्थिति को दर्शा रहे हैं, वहीं एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष ने टीवी चैनलों के एग्जिट पोल को सरकारी पोल करार दिया है, तो एग्जिट पोल पर क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, इससे पहले सीटों पर जीत के दावे को लेकर बयानबाजी जारी है। मतदान खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल जारी किए गए। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 400 के करीब सीटें दी गई हैं। इसे लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने कई तरह के बयान दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, इसका नाम मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, ये मोदी जी का पोल है। इसके साथ ही उन्होंने सीटों को लेकर कहा कि सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295, हम 295 सीट जीतेंगे। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। अखिलेश ने आगे कहा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए, विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। तो वहीं एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं जनता पर भरोसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में इंडिया गठबंधन को 20 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। आप सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर 2021 का पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल साझा करते हुए लिखा कि 2021 में पश्चिम बंगाल में सभी टीवी चैनल बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिता रहे थे, जबकि आई मात्र 77 सीट। एग्जिट पोल तो बीजेपी ऑफिस में बना है। वहीं ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि एग्जिट पोल सही होते नहीं देखा, एग्जिट पोल का महत्व नहीं है, बंगाल में हम सभी सीट जीतेंगे, अखिलेश और स्टालिन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अरे पीछे भाई से मत चल, तांबे मरे काय करतो यार, अरे मैं ढकल से कसला ये ना आत्मा दे ना आसा, अरे हट ढकलो नको चल चल, अरे अरे इडा
भाई चल है। थैंक यू मैम, बाय। हेलो यहाँ पे फोटो करना चालू थी, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा मैम, यहाँ पे आ जाइए ना थोड़ा। चालू जी थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। वेट 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 ना, बड़ी हो गई, छोटी थी बहुत। वेट 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 यहाँ पे आप भी देखिए चारू जी, यहाँ पे देखिए जिया ना, जिया ना हियर इन माय कैमरा, हाय। आइए एक सेकंड रुके ना चारू जी, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके रुके, यहाँ पे देखिए जिया ना, जिया ना हाय। कुछ बोल नहीं रही है, जिया नाराज है। अच्छा कहा जा रहे हो जियाना, कौन सा गेम खेलोगी नानी के लिए? थैंक यू मैम, बाय 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 जियाना, बाय। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब